अलीगढ़ की थाना जमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी व लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 अदद 315 और के तमंचा व 1 चाकू सहित 2 मोबाइल बरामद किए हैं। अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी व लूट की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। घटनाओं की रोकथाम के लिए एसपी सिटी आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए देर रात चेकिंग दौरान कस्बा जमा की पटरी की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही युवक मोटरसाइकिल लेकर तेज रफ्तार में भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चारों बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम रवि, सागर, मनीष और हिमांशु बताया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश अब तक करीब आधा दर्जन से अधिक लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कुबूला है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर इतिहास खंगालने में जुट गई है। ये बीती रात में थाना जमा क्षेत्र में रामपुर तिराहे के पास में 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 व्यक्ति दिल्ली के हैं, एक फिरोजाबाद का है, एक बुलंदशहर का है। इनके विरुद्ध दिल्ली में और अलीगढ़ में पहले के मुकदमे हैं। कल की एक घटना हुई थी सुबह, जिसमें एक व्यक्ति से 1200 रुपये और उसका एक मोबाइल, एक आधार कार्ड छीना गया था, वो भी बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, 1 चाकू, 2 मोबाइल फ़ोन, कुछ रुपए नगद और आधार कार्ड बरामद हुआ है। शेष आपराधिक इतिहास की इनकी जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारी के पश्चात इनको जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा कोई ऐसी घटना अंजाम दिया गया? हाँ, 5 घटनाओं की ऐसी जानकारी हुई है, लूट की और चोरी की।